हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला इकाई हमीरपुर की बैठक सोमवार को बस अड्डा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अजमेर ठाकुर ने की। बैठक में पेंशन के स्थायी समाधान व वर्ष 2015 से रुके हुए महंगाई भत्ते की बकाया राशि व चिकित्सा भत्ता 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को 5-10-15% वृद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। अजमेर ठाकुर ने कहा कि बार बार सरकार से मिलने व पत्राचार करने के बावजूद भी आश्वासनों के सिवाय आज तक कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इस बारे में 17 व 18 नवंबर को मंडी में प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक व प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें मांगों पर गहन चिंतन किया जाएगा व सरकार व प्रबंधन के प्रति मांगों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जो है वो 7 तारीख को हर महीने होती थी, इस बार ऐतवार को बच्चे ना होने के कारण 8 तारीख को आज की गई है। ये मासिक बैठक थी हमारी और इसमें सबसे पहले तो सरकार के प्रति रोष व्याप्त किया गया कि हमारी पेंशन का कोई स्थायी समाधान 4 सालों में सरकार नहीं कर सकती। दूसरा, 2015 से लेकर हमारा जो है महंगाई भत्ते का ये जो है करोड़ों रुपया जो है उसके ऊपर सरकार कुंडली मार कर बैठी है, अभी तक उसकी एक किस्त तक नहीं दी है। इससे भी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और कर्मचारियों हैं इस वक्त 35-40 हज़ार सेवा देने के बाद जो है अपनी पेंशन के लिए जूझ रहे हैं और बीमारियों के कारण जो है उनका गुजर बसर करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग चाहते थे कि सरकार बदली है, हो सकता है कि ये हमारी पेंशन का स्थायी समाधान करेंगे, मगर ये सरकार भी स्थायी समाधान करने में असफल रही है। अभी भी सरकार के पास समय है, अगर इस समय के अंदर अंदर हमारी पेंशन का स्थायी समाधान सरकार कर देती है तो हम और हमारे पूरे परिवार ता जिंदगी इनके शुक्रगुजार रहेंगे, और अगर नहीं सरकार स्थायी समाधान पेंशन का करती है तो सरकार को इसका खमियाजा जो है आने वाले 2022 के चुनावों में भुगतना पड़ेगा। दूसरी बैठक जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है 17 व 18 नवंबर को मंडी में होने जा रही है विपासा सदन में, वहाँ पर हमारी प्रदेश कार्य समिति का अधिवेशन भी होगा और उसमें पूरे तरीके से जो है इसके ऊपर मंथन होगा और मंथन होने के बाद जो है अधिवेशन होने के पश्चात जो है सरकार के प्रति क्या रणनीति बनती है वहाँ से इसका विकल्प बुझा दिया जाएगा और उसकी सारी जिम्मेदारी जो सरकार और प्रबंधन की। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।